तो है सैमसंग गैलेक्सी A6 Edge जो कि सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप था 2015 का, एंड इसके साथ साथ दोस्तों गैलेक्सी S6 भी लॉन्च हुआ था जो इसका साइड ब्रदर था, बट मेनली फोकस हुआ था सभी का A6 Edge पे। तो दोस्तों आज हम 2020 में इसका थोड़ा एक ओवरव्यू करेंगे कि क्या आपको ये डिवाइस 2020 में लेना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक और मैं बताऊँगा आपको कि इसके सभी अच्छे अच्छे फीचर्स के बारे में। तो है गाइस ये 2020 में इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये डिवाइस आपको 8000 के अराउंड इसका बेस वेरिएंट मिल जाएगा जी दोस्तों। और अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये फुल ऑन पैकेज है स्पेसिफिकेशन का, फास्ट UFS 2.0 स्टोरेज, एंड्रॉयड 7.0 नॉगट, और 32, 64, 128 GB का स्टोरेज मिलता है इसमें दोस्तों। और बैटरी दोस्तों इसमें मिलती है आपको 2600 mAh जो कि 2600 mAh। तो गाइस इसका एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि दोस्तों इसकी हेडफोन आउटपुट काफ़ी इनक्रेडिबल है दोस्तों, ये किसी भी मीन्स 25000 तक के फ़ोन को बीट कर सकता है जैसे दोस्तों। इसमें काफ़ी अलग अलग मोड्स मिलते हैं, हेडफोन आउटपुट इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके के मीन्स क्लियर बीट्स मिलेंगे, एंड मोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं डिवाइस में दोस्तों। आपको आउटस्टैंडिंग हेडफोन जैक का मीन्स सपोर्ट मिल जाता है इसमें जो कि काफ़ी अच्छे से मीन्स बजता है, एंड आपके लॉन्ग टूर पे कितने भी टाइम तक इसको सुन सकते हैं। डिज़ाइन के साथ साथ इसका डिस्प्ले भी काफ़ी गॉर्जियस है जी दोस्तों, ये इसका क्वाड HD का एम्बुलेट सुपर एम्बुलेट डिस्प्ले तो काफ़ी विविड कलर्स प्रोवाइड करता है आपको, एंड काफ़ी मज़ा आता है इसको इसके कंटेंट्स व्यू करने में। तो दोस्तों ये एच स्क्रीन सिर्फ मीन्स शो के लिए नहीं दी गई थी दोस्तों, इसमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी इन्होंने ऐड किए थे जैसे कि एच लाइटिंग हो गया, एच स्क्रीन हो गया, नाइट लाइट हो गया वगैरह, ऐसे कुछ ऐप्स जो कि मीन्स जो फीचर जो इन्होंने ऐड किए थे जो काफ़ी मज़ेदार थे उस टाइम में यूज़ करने में दोस्तों, आज भी काफ़ी मज़ेदार है यूज़ करने में। एंड आप इसे प्रीव्यू देख सकते हो दोस्तों, ये एज लाइटिंग है। सेकेंड है दोस्तों एज क्लॉक का, अगर आप अप डाउन स्वाइप करते हो तो दोस्तों एज पे काफ़ी अच्छी सी लाइट ग्लो हो जाती है। एंड थर्ड जो है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा हार्ट रेट सेंसर है जहाँ दोस्तों ये आपको आप इस डिवाइस को यूज़ करेंगे तो भी आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, ये दोस्तों पीछे इसके एक डिवाइस के हार्ट रेट सेंसर जो कि आप इसको कैमरा वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। एंड बात करें इसमें चार्जिंग की, इसको इसमें दोस्तों आपको दोनों तरह की चार्जिंग मिल जाती है, माइक्रो USB का केबल का चार्जिंग भी मिल जाता है सपोर्ट, एंड वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है यूज़ करने में, स्पेशली नाइट पे दोस्तों आपको इस डिवाइस को खाली रख देना होता है एक वायरलेस चार्जिंग पैड पे और अपना ये वायरलेसली चार्ज। तो गाइस हैप्टिक्स इसका हैप्टिक फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है किसी भी नॉर्मल 8000 से 20000 के फ़ोन्स के बीच, क्योंकि दोस्तों ये फ्लैगशिप डिवाइस है इसमें अच्छा काफ़ी अच्छा मोटर यूज़ किया गया था, एंड आज भी काफ़ी सेटिस्फाइंग सी क्लिक मीन्स वाइब्रेशन आप हमको देखने मिलती है तो उसे काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है। एंड दोस्तों इसका कैमरा की चलिए बात कर देते हैं, कैमरा एंड परफॉर्मेंस की, कैमरा काफ़ी अच्छा है दोस्तों इसका, एंड स्पेशली फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों इसमें 60 FPS फुल HD का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है तो काफ़ी मज़ेदार आता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इसके मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे इसी डिवाइस के तो काफ़ी अच्छे से आए थे दोस्तों। एंड ये देखिए अल्ट्रा वाइड शॉट भी देखिए इसका, हालांकि सिंगल कैमरा है 16 मेगापिक्सल का तो काफ़ी अच्छा अभी भी आउटस्टैंड कर देता है। एंड अगर इसकी बात करूँ मैं किसी भी मीन मिड रेंजर की जो 8000 अराउंड 10000 भी आते हैं तो दोस्तों उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं होता है। एंड आप इधर देख सकते हो वीडियो, ये थोड़ा मेरे मीन्स ऐप में थोड़ा क्रैश हो रहा है वरना ये काफ़ी स्मूथ वीडियो इसका रिकॉर्ड हुआ था दोस्तों ये। एंड जैसे मैं इधर हाईवे पे अपनी बाइक को स्पीड अप कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से ये रेंडर भी हो जा रहा है और हैंड स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों फ्रंट की बात करें तो दोस्तों फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का एक मीन्स छोटा सा कैमरा जो कि आउट परफॉर्म करता है किसी भी 5 मेगापिक्सल के कैमरे से। एंड दोस्तों फ्रंट मीन्स सेल्फीज लेने के लिए आपको वेरियस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि आप हार्ट रेट को टैप करके भी फोटोज़ खींच सकते हो, ये भी काफ़ी एक अच्छा इसका मीन्स फीचर है डिवाइस का। ये रहे कुछ सैंपल जो इसके फ्रंट कैमरे से मैंने कैप्चर किया था दोस्तों, आप ही बताएंगे क्लियरिटी कितनी अच्छी कमेंट सेक्शन में, एंड काफ़ी अच्छी क्लियरिटी बाय द वे। एंड दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन का एक्सिनोस का 7420 का प्रोसेसर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 810 से कम्पीट करता था दैट टाइम, जो कि काफ़ी अच्छा आज भी मीन परफॉर्म कर देता है। एंड दोस्तों ओवरऑल बोलूँ तो दोस्तों ये पैकेज है 8000 के अंदर जहाँ दोस्तों इसमें अच्छा कैमरा, अच्छा वाइब्रेशन मोटर, अच्छा डिस्प्ले, गॉर्जियस मीन्स डिज़ाइन मिलती है तो दोस्तों आपको इस डिवाइस को नक्की ले लेना चाहिए।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है दोस्तों। एंड अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना चाहिए दोस्तों, उनको भी बता देना कि डिवाइस कितना अच्छा है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।